गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल अमित किसने आता। मैं फिर से नए ब्लॉग के साथ आ गई हूँ। तो आज का ब्लॉग रेसिपी ब्लॉग होने वाला है। तो मैं मोमो बनाने जा रही हूँ, मोमोज और चटनी। मोमोज का अलग टाइप का चटनी होता है, वो भी कैसे बनता वो भी बताऊंगी, और मोमोज भी कैसे बनता वो भी अच्छे से आपको बताऊंगी। तो वो मैं आज बनाने वाली थी, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर कर दूँ। और प्लीज़ जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियो पर डालूँ आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँच सके। तो ठीक है गाइस, मैं आपको दिखाती हूँ कैसे क्या प्रोसेस है। सारे सब्जियों को पहले ही कट कर लिया था, बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाता, बहुत लंबा हो जाता वीडियो। तो पत्ता गोभी और गाजर को हो सके तो आप कद्दूकस ही कर लीजिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और शिमला मिर्च को छोटे छोटे चाकू से काट लीजिए। और इसे मैंने कद्दूकस कर लिया है, तो इसे इतना चीज़ मैंने काट लिया है। अब मैं कढ़ाई चढ़ा देती हूँ गैस में। ये देखिए कढ़ाई गर्म हो चुका है, तो मैं इसमें थोड़ा सा ऑयल डालती हूँ, रिफाइंड ऑयल है ये। और तो अदरक लहसुन का पेस्ट मैं डाल दे रही हूँ। इसमें मैं जब थोड़ा सा फ्राई हो चुका है तो इसमें मैंने जो भी काटा था पहले धो चुकी थी, और मैं इसमें डाल दे रही हूँ। इसे अब ढक देते हैं। देखिए मैंने 6-7 टमाटर ले लिया है और इतना लाल मिर्च ले ली है। अगर आपको ज़्यादा तीखा और भी ज़्यादा तीखा पसंद है तो आप ज़्यादा मिर्च भी डाल सकते हैं। इसमें पानी थोड़ा सा डाल के इसे मैं उबलने के लिए उबाल दूंगी इसे। ले रही हूँ, रुको ना, इसे एक बार देख भी लेते हैं कि कितना फ्राई हुआ। तो इसमें नमक अभी नहीं डालेंगे, नमक डालना ही नहीं है, बाद में जब ये ठंडा हो जाएगा तब मैं इसमें नमक डालूंगी। तो इसे पानी छोड़ देगा, इसीलिए अभी नमक डालना ही नहीं है। क्या देखिए लगभग ये फ्राई हो चुका है। हमें ज़्यादा भी एकदम फ्राई नहीं करना है, हल्का फ्राई करना है। तो अब मैं इसमें मैगी मसाला डालूंगी। आप चाहे तो नहीं भी यूज कर सकते, उसके जगह कुछ और मसाला भी यूज कर सकते हो, इससे टेस्ट थोड़ा बढ़ जाएगा। और थोड़ा सा सोया सॉस 1 चम्मच के करीब डाल दीजिए। थोड़ा चिल्ली सॉस इसे मैं मिला लूंगी। ये बस अब 2 मिनट और पका के नमक डाल के बस बंद कर दूंगी। इधर भी देख लेती हूँ टमाटर का क्या हाल है। अभी ये और होगा क्योंकि फ्रीज से मैं टमाटर निकाली थी, तो वो तो इतना अभी गर्मी आ गया है, देख लीजिए पसीना भी आ रहा है, तो टमाटर को गर्म होने में भी टाइम लगेगा। ये देखिए अब हो गया है, इसमें अब नमक डाल के मैं बंद कर दूंगी। अपने स्वाद के अनुसार आप नमक डाल लीजिए। अब
अभी कितना सुंदर स्मेल आ रहा ना। हो गया, अब मैं इसे बंद कर देती हूँ। ये देखिए, मैंने उसका डो में बना, मोमो का डो बना ले रही हूँ। मैंने आधा किलो के करीब मैदा ले लिया है। इसमें आप स्वाद के अनुसार थोड़ा नमक डाल लीजिए, क्योंकि मैंने मसाला में भी नमक डाला ही है, तो मैं ज़्यादा नमक नहीं डालूंगी। और थोड़ा सा खाने का सोडा भी डाल लीजिए। इसे अब गर्म पानी से, मैं अब नॉर्मल पानी से भी कर सकते हैं, पर गर्म पानी, हल्का गर्म पानी से थोड़ा सॉफ्ट ज़्यादा बनेगा, इसलिए मैं गर्म पानी से इसे गूंथ ले रही हूँ। रोटी के आटा की तरह ही बस पूरा सॉफ्ट इसे गूंथना है। ये देखिए, मैंने अच्छे से गूंथ लिया है, बिल्कुल रोटी के आटे की तरह। अब मैं इसे 15-20 मिनट रेस्ट के लिए छोड़ दूंगी। मेरा पसीना देखिए, बहुत ज़्यादा ही गर्मी है। पता नहीं आप लोग के यहाँ कितना गर्मी होगा, पर यहाँ राउरकेला में बहुत ज़्यादा गर्मी है। तब मैं इसे ढक के छोड़ देती हूँ। ये देखिए, ये पूरी की तरह ही है। मैंने इतना बड़ा साइज का लिया है। अब इसे बिल्कुल पतला पतला बेल लूँगी, जितना पतला बेलोगे उतना ही अच्छा है। तो ये देखिए, मेरा डो भी पूरा मुलायम रोटी की तरह है। मैंने कुछ लोइयां भी बना ली है पहले से, और इसे मैं ढक दूंगी, क्योंकि मेल चल रहा है तो सूख आ रहा है। बोला धीरे तो ढक देते हैं। तो मैं आपको बताऊंगी कि कैसे क्या करना है। पहले बेलती हूँ इसे। आप मैदा ही ले लीजिएगा, उसे परथन लगा लगा के बेलिएगा। अच्छा बनेगा। इसमें टाइम तो थोड़ा ज्यादा और मेहनत भी थोड़ा ज्यादा लगता है, पर टेस्ट ही बहुत अच्छा बनेगा। जितना वही तो मेहनत का फल मीठा होता है, जितना मेहनत करोगे उतना फल मीठा मिलेगा। ये देखिए, मैंने एक चम्मच इसमें डाला। अब मैं इसे ऐसे करके ऐसे करूंगी, ऐसे कर लिया और थोड़ा सा घुमा दूंगी बस। ये देखिए, मोमो तैयार है। इसी तरह से मैं सारा बना लेती हूँ। मैं पहले इसमें ग्रीस कर ले रही हूँ ऑयल का, ताकि कुछ चिपके ना। और इसमें मैंने पानी गर्म होने के लिए चढ़ा दिया है, और इसमें जितना हो सक आएगा उतना मैं इसमें रख दे रही हूँ, ऐसे ऐसे करके। तो ये देखिए, मैंने ऐसे करके रख दिया, और इसे मैं ऐसे अंदर करके डाल दे रही हूँ, और इसे ढक देती हूँ। इसे अब छोड़ देती हूँ 5 या 10 मिनट, देखते हैं फिर कैसे बनता है, फिर उसके बाद आपको दिखाऊंगी। तो ये देखिए, ये बन गया है। अब मैं इसे निकाल दे रही हूँ। ये देखिए, कितना बड़ा बड़ा साइज का भी हो चुका है। मोमोज का चटनी के लिए जो मैंने टमाटर बॉईल किया था, उसे मैं अब छील के मिक्सी के जार में डाल दे रही हूँ। इस तरह से मैं सारे छील ले रही हूँ।
सारा जार में डाल दिया है। अब मैं इसे ग्राइंड कर देती हूँ। देखिए अब अच्छे से ग्राइंड हो गया है। अब इसे मैं इसका आगे का प्रोसेस बताती हूँ। थोड़ा सा ऑयल डाल दे रही हूँ, ये चटनी के लिए है, मोमोज की चटनी के लिए। दिख रहा है? कढ़ाई दिख रहा है? अब ऑयल गरम हो गया है, मैं अब अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देती हूँ। आप चाहते हैं तो अदरक लहसुन उसी में भी डाल के पीस सकते थे। मेरे पास पेस्ट था तो मैं ऐसे ही कर लेती, थोड़ा संभल के बहुत ज्यादा ही पीस डाल था। अब मैं डाल दे रही हूँ। आप टेस्ट के अनुसार आप नमक डाल लीजिए। और ज्यादा तीखा पसंद करते हैं तो थोड़ा सा मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं, रेड मिर्च पाउडर। वैसे मोमोज के साथ तीखा ही ज्यादा अच्छा लगता है। थोड़ी देर के बाद बंद कर दूंगी। थोड़ा सा सोया सॉस भी मैं डाल देती हूँ। आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं, ये कलर इससे अच्छा आता है, इसीलिए मैं डाल रही हूँ। अब ये हो गया है, मैं अब बंद कर दे रही हूँ। तो ये देखिए मेरा मोमो बन के रेडी हो गया। अगर आप लोग भी एक बार ट्राई करके देखिएगा, बहुत ही टेस्टी बनेगा। तो ठीक है गाइस, अब नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोग से मुलाकात होगी। जो नए हैं प्लीज सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं आप लोग के पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच सके। और लाइक्स कमेंट शेयर भी कीजिएगा ताकि मुझे भी अच्छा महसूस हो। तो ठीक है गाइस, अब नेक्स्ट ब्लॉग में जल्दी मुलाकात होगी। बाय।